चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने में भारत के चंद्रयान 3 और रूस के लूना 25 के बीच होड़ थी। रूस ने भारत के चंद्रयान 3 के बाद अपने लूना 25 मून मिशन को लॉन्च किया था। हालांकि रूस अंतरिक्ष में भारत से पहले पहुंचना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और लूना 25 चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। मैं सिद्धिका मनोहर सोनी आपके साथ। आज हम आपको बताएंगे कि चांद पर कहां क्रैश हुआ था लूना 25 और नासा ने ढूंढ निकाली वो जगह जहां क्रैश हुआ था लूना 25। वो भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने में भारत के चंद्रयान 3 और रूस के लूना 25 के बीच होड़ थी। रूस ने भारत के चंद्रयान 3 के बाद अपने लूना 25 मून मिशन को लॉन्च किया था। हालांकि रूस अंतरिक्ष में भारत से पहले पहुंचना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और लूना 25 चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। यह घटना रूस के लिए एक बड़े झटके की तरह थी। अब अमेरिका स्पेस कंपनी नासा ने उस जगह को खोज निकाला है जहां रूस का लूना 25 क्रैश हुआ था। आपको बता दें, जहां लूना 25 क्रैश हुआ था उस जगह पर बड़ा सा गड्ढा बन गया है। रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट भारत के चंद्रयान से पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला था, लेकिन प्री लैंडिंग ऑर्बिट में जाने के दौरान उसका संपर्क ग्राउंड स्टेशन से टूट गया था। बाद में पता चला कि स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल से बाहर हो गया और चंद्रमा की सतह पर ही क्रैश हो गया। अब नासा ने उस जगह को खोज निकाला है जहां रूस का लूना 25 क्रैश हुआ। नासा के एलआरओ ने चांद पर एक नए क्रैटर को खोजा है। लूना 25 स्पेसक्राफ्ट 19 अगस्त को क्रैश हुआ था। नासा ने देखा है कि जहां यह स्पेसक्राफ्ट गिरा था वहां एक बड़ा क्रैटर बन गया। नासा ने एक लेख में लिखा कि रूसी स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस ने 21 अगस्त को इंपैक्ट पॉइंट के अनुमान की जगह प्रकाशित की। एलआरओसी टीम और मिशन ऑपरेशन टीम 22 अगस्त को एलआरओ अंतरिक्ष यान को कैप्चर करने के लिए डिजाइन करने और कमांड भेजने में सक्षम था। नासा ने लिखा, इन तस्वीरों को खींचने का सिलसिला 24 अगस्त को दोपहर 2:15 बजे शुरू हुआ और लगभग 4 घंटे में पूरा हुआ था। एलआरओसी टीम ने टक्कर से पहले ली गई तस्वीरें और उसके बाद की तस्वीरों की तुलना की और तस्वीरों में उन्होंने एक छोटा नया गड्ढा पाया। आपको बता दें, इससे पहले नासा ने इस जगह की तस्वीर जून 2022 में ली थी। चूंकि ये गड्ढा लूना 25 के अनुमानित इंपैक्ट बिंदु के करीब है, एलआरओ टीम ने निष्कर्ष निकाला है कि ये प्राकृतिक प्रभाव के बजाय लूना 25 मिशन के जरिए बना है। नया गड्ढा 10 मीटर डायमीटर का है। ये लूना 25 की लैंडिंग साइट से लगभग 400 किलोमीटर दूर है। वही आपको बता दें कि 50 साल बाद रूस ने भेजा था चंद्रयान। रूस का लूना 25 साल 1976 के बाद पहला स्पेसक्राफ्ट था जो चांद पर भेजने के लिए लॉन्च हुआ था। रूस ने 10 अगस्त को लूना 25 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था। रूस का लक्ष्य था कि उसका स्पेसक्राफ्ट 21 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरे, लेकिन जब स्पेसक्राफ्ट को प्री लैंडिंग ऑर्बिट में स्थापित किए जाने लगा था तो यह अनियंत्रित हो गया था। रूसी स्पेस एजेंसी ने बताया था कि थ्रस्टर समय से ज्यादा चलता रहा, जिसके कारण यह सीधे सतह की ओर बढ़ गया और कंट्रोल ना होने की वजह से क्रैश हो गया था। सोने से जड़े चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम मॉड्यूल ने बुधवार 23 अगस्त की शाम को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर इतिहास रच दिया। इस सफलता के साथ ही भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बन गया और भारत का नाम रोशन कर दिया। नमस्कार।